लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी बीच 23 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान होने वाले हैं। संभल लोकसभा संसदीय क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। जी हां, संभल के चंदोसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित गांव ढाढोल के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके गांव की मुख्य सड़क जो गांव को हाईवे से जोड़ती है उस पर दो दो फुट गहरे गड्ढे हैं। गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र पर आज तक किसी भी डॉक्टर या नर्स की तैनाती नहीं हुई है। बिजली के तार नीचे झूल रहे हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कितने वोट है कुछ मिला? हमारे यहाँ 2000 से ऊपर वोट है, 2500 के लगभग है, 2000-2500 के बीच में वोट है हमारे यहाँ। अच्छा, सभी ग्रामीण जो है बिल्कुल पूरे ग्राम के किस्म खाइए, बच्चा बच्चा में वोट नहीं करेगा। सातों समाज के हिंदू मुसलमान जाटव और मुसलमान ब्राह्मण मौर्य गढ़रिया इतने और प्रजापति भी इतनी तो सारा ग्राम वोटिंग नहीं करेगा अब की बार। और आर पास के गांव भी हमारा सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं हम। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। ये कौन से गांव में रहते हैं? गांव ढाढोल। अच्छा, किन मुद्दों को लेके आप लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? ये गांव ढाढोल हमारा लोकसभा संभल में पड़ता है और यहाँ की जो विधानसभा सीट है वो चंदौसी में आती है। इस गांव में आप देखेंगे तो सड़क है, इधर सड़क है हमारी। इस सड़क का 2005 से कोई इस सड़क पे ना तो कोई निर्माण कार्य हुआ है ना ही कोई मरम्मत कार्य हुआ है। सड़क में करीब करीब दो दो तीन तीन चार चार फीट गहरे गड्ढे हैं। उसके बावजूद अगर यहाँ देखा जाए तो अस्पताल में क्या है कि अस्पताल बंद तो क्या है, दोबारा मरम्मत हो चुकी है अस्पताल की, लेकिन आज तक कोई नर्स नहीं बैठी। डॉक्टर की तो बात दूर है, कोई ANM तक नहीं आती यहाँ। नर्स तो बहुत बड़ी बात है, ANM तक नहीं आती है। बाकी यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है वो इतनी ख़राब है कि पढ़ाई के दिनों में बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पाते। पढ़ाई के दिनों में हमें कुछ ना कुछ इन्वर्टर की बैटरी की अपनी खुद व्यवस्था करनी पड़ती है, लैंप की व्यवस्था करनी पड़ती है। बच्चे पढ़ाई की वजह से बहुत परेशान हैं। यहाँ लाइट का ये हिसाब है, तारों का इतने दर्जर हो चुके हैं कि सिर से छूते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही जेई साहब को भी इतला दिया था मैंने और यहाँ के जो MD हैं उन्हें भी कहा था मैंने, वहाँ एक गाय मर गई, अभी कुछ दिन पहले ही गाय मरी है, गाय और बछड़ा दोनों मर गए उसके, बेचारी 51 गाय थी वो दोनों मर गए। उसके बाद यहाँ जो मीटर लगे हैं, मीटर तो लग गए और उसके बाद मीटर चालू नहीं हुए, लेकिन बिल धड़ाधड़ आ रहा है, बिना मीटर चालू हुए ही बिल आ रहा है यहाँ। तो ये सारी समस्याएं, 4500-4500 का बिल आ रहा है एक एक महीने का। तो ये अनियमितताएं इतनी ज़्यादा हैं यहाँ पे, प्रशासन से कई बार बोला जा चुका है, यहाँ के सांसद श्री सत्यपाल सैनी और यहाँ की जो विधायिका हैं, जो मंत्री हैं इस समय गुलाबो देवी, उनसे कई बार बोला जा चुका है। मतलब ये नेता पहले तो आते हैं, बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कम से कम आए भी तो सही, हमें खुद जाना पड़ा है इनके बाहर 4-4, 5-5 बार, लेकिन हमारा कोई भी औचित्य नहीं हुआ जाने का। आज तक ना सड़क पड़ पाई, ना बिजली की समस्या का समाधान हुआ, ना अस्पताल का समाधान हुआ। अस्पताल के लिए भी हमें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैजू जाना पड़ता है अगर हमें एक गोली भी लेनी है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निराकरण के लिए, क्योंकि सरकार वैसे सुनने वाली नहीं है, तो निराकरण के लिए हम इस बार पूरा गाँव मिलकर वोटिंग का बहिष्कार करेगा। और साथ साथ जो हमारे आसपास के गांव हैं, रफीपुर, सिंहपुर, सकतपुर, राजपुर, हमारा पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन नेताओं की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, ये पूरी की पूरी बेल्ट संभल की बिल्कुल ख़राब है।